साथियों, आज हमें महाराष्ट्र भवन, जहां पर हमारे साथ हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुत्र माननीय डॉक्टर प्रकाश राव अंबेडकर जी। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर एक बहुत बड़ा कदम वो उठाने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा। सफाई कर्मचारियों को लेकर लगातार कुछ ना कुछ सरकार करती आई है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो है वो नाखुश हैं। क्या मुद्दा है पूरा जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश राव अंबेडकर जी से। सर बताएं क्या मुद्दा है पूरा। देखिए, आज जे बी चौहान वाल्मीकि समाज के एक बड़े नेता हैं, कई बार मुझसे मिलते रहे। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेके जो है आज एक बैठक हुई, जहां पर वाल्मीकि समाज के जो चौधरी है, कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बाकी के राज्यों से भी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और उस बैठक में एक चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगा है कि 15 अगस्त के दिन वो लाल किले से लोगों को जब एड्रेस करेंगे तो उसमें क्या मुद्दा होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की यूनियन तो है, उनकी पूरी देखभाल करती है, संभालती भी है, मदद भी करती रहती है, लेकिन एक मर्यादा तक ही उनकी बात चलती रहती है। इसलिए ये फैसला हुआ कि वाल्मीकि समाज ही अभी कुछ बातों पर अपनी बात करना शुरुआत करे। और आज का जो मुद्दा ये था कि सफाई कर्मचारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिखाए जाते, ठेकेदारी पे रखे जाते हैं, हालांकि कानून जो है, कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून है वो ये कहता है कि सफाई मजदूर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा नहीं जाता। इस पे यूनियन अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन यूनियन की ताकत उतनी ताकत नहीं है कि जितनी वाल्मीकि समाज की ताकत है। और इसलिए वाल्मीकि समाज ने ये फैसला किया वहाँ पर कि प्रधानमंत्री का ये जो सुझाव आया है, सुझाव मांगा है, उस पर हम लोग भी एक सुझाव दें कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले से ऐलान करे कि सफाई मजदूर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में भी, और जहां कहीं भी वो लगा है उनको परमानेंट मिला है, पेंशन मिला है, ऐसी वो ऐलान करे। ऐसी उम्मीद ये सभी संगठन वहाँ पर करते हैं और ये प्रस्ताव जो है वो प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को क्या करते हैं उसको मेरे ख्याल से नज़र जो है वाल्मीकि समाज की, देशभर के वाल्मीकि समाज की बड़ी पैमाने पे लगेगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जो खुद ही स्वच्छता अभियान चला रहे हैं वो सफाई मजदूरों की दिक्कतें जानते भी होंगे और उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि उनकी परमानेंसी ये सबसे बड़ी बात है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक तरीके से नया मनुवाद है, ऐसा वाल्मीकि समाज मानता है। सर यहाँ पर एक मुद्दा और भी निकल कर आ रहा है, जो दलित उद्यमी हैं उनका जो चैम्बर है, जो उनकी संगठन है डिक्की, उन्होंने लगभग 200 गाड़ियाँ वाल्मीकि समाज की सुविधा के लिए आप सरकार के साथ दिल्ली के अंदर उन्होंने देने का वादा किया है और शायद उसके ऊपर बात भी चल रही है। एक गाड़ी के ऊपर 4 आदमी रहेंगे, दो जिनको अगर सरकार चाहती तो इंजीनियर बनाती, डॉक्टर बनाती, लेकिन वो उनको गाड़ियों पर रखकर मेला उठाने वाला ही क्यों बनाना चाहती है। 8,000 युवा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि वाल्मीकि समाज बाबा साहब के नक्शे कदम पर अभी चल रहा है, शुरू हो गया। शिक्षा की सबसे बड़ी बात है, शिक्षा लेना शुरुआत हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी व्यवस्था के शिकार बने हुए हैं और शिकार बनने की वजह से वो यही काम करते हैं। रोजी रोटी जो है उनकी इसी पर चलती है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई कि आप इससे बाहर क्यों निकलते नहीं हो, तो यही कहते हैं कि भैया हम तो निकल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है इसमें से बाहर निकलेंगे, ये वादा हम आपसे करते हैं और उन्हीं के लिए ये हम काम कर रहे हैं, ताकि हम अगर ये पेशा करते हैं तो
तो दो पैसे मिलते हैं जो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सोच वाल्मीकि समाज में आई हुई है कि हम गंदगी का काम कर रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। हम तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमारी अगली संतान जो है इससे बाहर निकले, ये जो सोच आ रही है, मैं इस सोच की सराहना करता हूँ और वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से मदद करने के लिए हम लोग तैयार है और इसी लाइन से वो चले, इसी सोच से ये चले, यही भी उम्मीद हम लोग उनसे करते हैं। तो सर, वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं जो इस समय पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप अपनी तरफ से? मैं उनसे यही कहूँगा कि डिक्की वालों से वो कहे कि 400-200 गाड़ियाँ वो जो कूड़ा उठाने के लिए दे रहे, उसके बजाय वो हमको 200 गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए दे, टूरिस्ट के लिए दे, ताकि एक इज्जत की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारे, ना कि डिक्की भी हमको पुरानी व्यवस्था में धकेलने की बात करें। साथियों, हमारे साथ प्रकाश राव अम्बेडकर जी,